नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। महाराष्ट्र से बड़े प्रोजेक्ट छीनने पर बोले एमएनएस प्रधान राज ठाकरे, सिर्फ गुजरात नहीं सभी राज्यों को अपने बच्चों की तरह देखें प्रधानमंत्री। एनसीपी चीफ शरद पवार ने की कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ, बोले विपक्षी दलों को साथ ला सकते हैं राहुल। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक का हिंसक प्रदर्शन, पीएम मोदी बोले हम सरकार के साथ। बेंगलुरु में हिरासत में युवक की मौत, परिवार का आरोप, पुलिस ने शव नहीं देखने दिया और दफना दिया। दिल्ली में लिफ्ट गिरने से तीन की मौत, परिजनों की मांग, फैक्ट्री मालिक के खिलाफ धारा 304 के तहत दर्ज हो केस। बंगाल में वंदे मातरम भर हफ्ते भर में तीसरी बार पथराव किया गया, खिड़की के शीशे टूटे, किसी यात्री को चोट नहीं आई। इंडिगो फ्लाइट में तीन शराबी पैसेंजर्स ने कैप्टन को पीटा, एयर होस्टेस से बदसलूकी की, दो गिरफ्तार, दिल्ली से पटना आ रहे थे। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने की महाआरती, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ब्रह्म सरोवर में तीर्थ पूजन भी किया, यहां पूजा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति। सीताराम येचुरी ने प्रणब मुखर्जी को किया याद, बोले कांग्रेस और वाम दलों की जोड़ने में उनकी भूमिका अहम। मेघालय के सीएम कोनराड संगम का बड़ा बयान, बोले एनपीपी समान नागरिक संहिता को कभी स्वीकार नहीं करेगी। शरद पवार ने भाजपा पर कसा तंज, बोले वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बताई जा रही है राम मंदिर तैयार होने की तारीख। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़े को लेकर बड़ा खुलासा, लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट की बनाई थी योजना। पंजाब में गैंगस्टरों ने किया पुलिस वाले का मर्डर, गाड़ी लूट कर भाग रहे थे, पीछा करने पर बरसाई गोलियां, मुठभेड़ में तीनों गिरफ्तार। भोपाल के जम्बूरी मैदान पर डटे रहे करनी सेना कार्यकर्ता, संगठन प्रमुख समेत पांच कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी बोले यह देश तपस्वियों को है, पुजारियों का नहीं। कुरुक्षेत्र में कांग्रेसी समर्थक पुलिस से भिड़े। हमीरपुर में बोले कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, ठंड उनको लगती है जो भूखे पेट होते हैं। निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे कैबिनेट मंत्री। अयोध्या में गायक गौरी शंकर दास गवैया का निधन, लंबे समय से थे बीमार, आज होगा अंतिम संस्कार। बिना अनुमति के भारत में रह रहा विदेशी नागरिक गिरफ्तार, आगरा के कस्बा अंछीना में पकड़ा गया इराकी नागरिक। बागमत में ससुरालियों ने गर्भवती को पीट कर घर से निकाला, अतिरिक्त दहेज की कर रहे थे मांग, 10 महीने पहले हुई थी शादी। वाराणसी में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम, खराब मौसम के चलते रात में काशी में रुके सीएम, 14 जनवरी तक प्रखंड
ठंड का अनुमान करेंगे। अयोध्या में 275 पेटी इंग्लिश शराब बरामद की गई है। 8 तस्कर गिरफ्तार। हरियाणा से आसाम जा रही थी, डाबर की दवाओं के पीछे छिपाई थी। घुमंतू गिरोह के दस्तक से पहले पुलिस अलर्ट। डीजीपी ने गश्त बढ़ाने के दिए निर्देश। 10 साल की घटनाओं के संदिग्ध पर रखे नजर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का अनोखा पत्र, का छुट्टी दे दो, महीने भर पहले हुई शादी, नाराज पत्नी बार बार काट रही है कॉल। यमुना एक्सप्रेसवे से 20 फीट नीचे गिरा ट्रक। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल। टमाटर लेकर एसपी से मेरठ जा रहा था। ताजमहल पर अनुपम खेर ने ली गुरु रंधावा से क्लास। अनुपम बोले, मुझे प्यार भरा गाना सिखाओ। गुरु ने कहा, किसके लिए गाओगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 2 हादसे, 7 की मौत। कोहरे के कारण कन्नौज में स्लीपर बस खड़े ट्रक से टकराई। श्रावस्ती में 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद। भीषण ठंड को देखते हुए डीएम ने देर शाम जारी किया आदेश। नोएडा एक्सप्रेसवे पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मादक पदार्थों की करता था तस्करी। करीब 10 लाख रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए गए। हाथरस में गिरते भूगर्भ जलस्तर को लेकर विभाग अलर्ट। छापा मारने के लिए टीमें हुई गठित। 10 साल से लगातार हो रही गिरावट। औरैया में ठंड लगने से मजदूर की मौत। 15 दिन पहले पिता ने तोड़ा था दम। परिजनों के प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। रायबरेली में तेज रफ्तार अर्टिगा ने 4 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक की हालत नाजुक। ड्राइवर समेत कार को पुलिस ने कब्जे में लिया। उन्नाव में डीसीएम से टकराई स्लीपर बस। 4 की मौत। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। यात्री ने बताया, ड्राइवर ने होटल में पी रखी थी शराब। सैफई मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर हत्या का मुकदमा। हॉस्टल के कमरे में मिला था एमबीबीएस छात्र का शव। सीएम ऑफिस तक पहुंचा था मामला। हापुड़ में राखी के नाम पर 9.42 लाख रुपए रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। जुलाई 2022 में दिया था ऑर्डर। बरेली में पिता पुत्र पर बदमाशों ने चलाई गोली। दोनों गंभीर हालत में बरेली के लिए रेफर। परिजनों ने प्लॉट विवाद को बताया था वजह। उन्नाव में उत्पात मचाने वाली स्वाट 2 सिपाही लाइन हाजिर। एसपी ने देर रात की कार्रवाई। कुल 28 पुलिस कर्मियों के तबादले भी कर दिए गए। बुलंदशहर में शीतलहर के चलते 14 जनवरी तक स्कूल बंद। 1 से 12 तक की कक्षाएं नहीं चलेंगी। डीएम ने जारी किया आदेश। अमरोहा में वकील ने किया महिला का बलात्कार। तारीख पर कोर्ट आई थी महिला, साथ ही वकीलों ने थाने पर किया हंगामा। मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में 25,000 के इनामी के पैर में लगी गोली। तमंचा और कारतूस बरामद। बदायूं में विवाहिता की हत्या में पति और ससुर गिरफ्तार। पिता बोले, दहेज के करते थे प्रताड़ित। फंदे पर लटका मिला शव।
मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब और उसके बेटे को होगी उम्र कैद, सरकारी वकील का दावा, चार्ज इतने गंभीर, बेल भी नहीं मिलेगी। दो महीने में दोस्ती में आरती बनी कातिल, पति के नहीं रहने पर लवर को करती थी न्यूड कॉल, अरेस्ट होने पर बोली पति टॉर्चर करता था। रंगनाथ भगवान का बैकुंठ उत्सव, माखन चोर लीला के हुए दर्शन, भक्तों ने भगवान को सुनाए भजन। शाहजहांपुर में आवारा पशु से किसान परेशान, सर्दरात में फसल की रखवाली को मजबूर, शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अनजान। पंचतत्व में विलीन हुए केशरीनाथ त्रिपाठी, प्रयागराज में बेटे नीरज त्रिपाठी ने दी मुखाग्नि, अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी और सीमांत पिथौरागढ़ में भी दिखी दरारें, लोगों में दहशत। जोशीमठ में 7 दिन पहले जेपी कॉलोनी में फूटी जलधारा, बनी पहेली, 24 घंटे निकल रहा है मठ पहला पानी। जोशीमठ को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस सक्रिय, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत तो जोशीमठ पहुंचे कई नेता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम पहुंचेगी जोशीमठ, दरारे, भूधसाव के कारणों का लगाएगी पता। जोशीमठ को लेकर सरकार ने कसी कमर, जोशीमठ के 4 वार्ड असुरक्षित घोषित, 2 होटल कराए गए बंद। उत्तराखंड में पाला और कोहरे से सुबह शाम ठिठुरन, ऊंची चोटियों पर बारिश और की संभावना जताई गई। जोशीमठ के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर सीएम धामी से बात किया, दिया जोशीमठ बचाने को हर संभव मदद का भरोसा। जोशीमठ में राहत व बचाव कार्यों के लिए 10 अधिकारी तैनात, मंडलायुक्त ने किए आदेश जारी। हरिद्वार में सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना हथियारबंद, बदमाशों ने फैक्ट्री में डाली डकैती, वाहन में लाद कर ली गए सामान। जोशीमठ में सभी निर्माण कार्यों पर अग्रिम आदेश तक रोक, डीएम ने कहा विस्थापितों तक पहुंचाई जा रही राहत सामग्री। उत्तराखंड में विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, साजिश रचने का लगा आरोप। उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस ने हिरासत में लिया। उत्तराखंड में महिला को झांसे में लेकर करा दिया 3 दिन नाबालिग बेटियों का धर्मांतरण, मदरसे में कराया दाखिला। उत्तराखंड के देहरादून में 4 नए कोरोना संक्रमित मामले, प्रदेश की संक्रमण दर 0.58%। पुनर्वास के लिए नई जमीन की तलाश शुरू, लोगों को बसाने में पहले होगी जमीन के भूदशाओं की जांच। रिलीज से पहले अमेजॉन पर बेस्ट सेलर प्रिंस हैरी की बायोग्राफी, डील से कमा 164 करोड़ रुपए, मुनाफे के लिए बेचनी होगी 17 लाख किताबें।
इजराइल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग कोर्ट में कमजोर करने के लिए बिला रहा है। समलैंगिक अल्पसंख्यकों को होगा नुकसान। जर्मनी में टला बड़ा आतंकी हमला, घातक केमिकल से अटैक की प्लानिंग कर दो भाई पकड़ाए, इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रेरित थे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में 100 साल की सबसे खतरनाक बाढ़, ब्रिटेन से 3 गुना बड़ा हिस्सा पानी में डूबा, कंगारू भी परेशान। रूस और यूक्रेन जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, मारे गए 600 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक, जेलेंस्की सरकार ने किया खारिज। ब्राजील में अमेरिकी संसद जैसी हिंसा, पूर्व प्रेसिडेंट के हजारों समर्थक संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुसे, 400 गिरफ्तार किए गए। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान में संक्रमण को लेकर वार्निंग जारी, एक्सपर्ट बोले 15 जनवरी के बाद मामलों में उछाल आएगा। नए आर्मी चीफ से भी भिड़े इमरान खान, बोले हमारी फौज ने इतिहास से सबक नहीं सीखा, वो अभी भी सियासत कर रही है। सेनेगल में सड़क हादसा, 40 की मौत, टायर फटने के बाद 2 बसें टकराई, देश में 3 दिन का शोक घोषित, 87 लोग घायल। चीन में हिंसा, कोरोना टेस्ट किट बनाने वाली फैक्ट्री ने लोगों को निकाला, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर दवाओं के बक्से फेंके। लोन फ्रॉड मामले में चंदा और दीपक कोचर को जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं। एलन मस्क ने ट्विटर में एक बार फिर की छटनी, ट्विटर के डबलिन और सिंगापुर ऑफिसों के दर्जन एम्प्लॉयज की गई नौकरी। गोफर्स्ट के फ्लाइट में एयर होस्टेट के साथ बस सलूकी, विदेशी यात्री ने अश्लील बातें की, बगल में बैठने को कहा। एयरटेल जियो को टक्कर देगी, बीएसएनएल अप्रैल 2024 तक लॉन्च करेगी 5G सर्विस, एक समय नंबर 1 मोबाइल ऑपरेटर था बीएसएनएल। नए साल में शेयर बाजार को झटका, विदेशी निवेशकों ने निकाले 5,900 करोड़, चीन यूरोप में कर रहे निवेश। पेशाब कांड पर टाटा सन्स के चेयरमैन ने जताई चिंता, बोले हम हालात से निपटने में विफल रहे। ग्लोबल आईपीओ बाजार में भारी गिरावट के बावजूद भारतीय आईपीओ बाजार ने दर्ज की बढ़ोतरी, जुटाए 7.5 अरब डॉलर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, बोली देश में रेहड़ी पटरी और छोटे उद्यमियों को बांटे गए 25,000 करोड़ के कर्ज। पीयूष गोयल का बड़ा बयान, बोली भारत की नजर निष्पक्ष व न्यायपूर्ण मुक्त व्यापार समझौते पर, बातचीत सही दिशा में जारी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर लिसा डुकिक ने मुद्रास्फीति पर जताई चिंता, बोले हाल के तमाम कोशिशों के बावजूद मुद्रास्फीति बहुत अधिक। भारत के लिए मुसीबत बन सकते हैं, नॉर्थन लियोन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लिए हैं सबसे ज्यादा विकेट। महेंद्र सिंह धोनी के प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की खूब की तारीफ, बोले कुछ भी सीखना कला है।
धोनी की तरह रोहित शर्मा भी दिखाई बड़ा दल छोड़े कप्तानी, पूर्व क्रिकेटर का विराट कोहली को लेकर खुलासा। विराट कोहली को याद आया इरफान खान, लिखा फेम की चाहत एक बीमारी से दूर रहना चाहता हूं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी को लगी चोट, भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से हुए बाहर। आईपीएल से बाहर होने पर भी पंत को नहीं होगा नुकसान, दिल्ली कैपिटल्स से मिलेंगे 16 करोड़ रुपए और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 6 करोड़ रुपए बीसीसीआई देगी। तीसरे टी20 के दौरान मैदान में घुसा था युवक, उमरान मलिक के पैर पकड़े श्रीलंकाई खिलाड़ी ने पकड़कर सिक्योरिटी को सौंपा। ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से जीती सीरीज, साउथ अफ्रीका ने तीसरा टेस्ट ड्रॉ कराया, दूसरी पारी में 2 विकेट पर 106 रन बनाए। शाहिद अफरीदी के काम से खुश है पीसीबी चेयरमैन, आगे भी बन सकते हैं चीफ सेलेक्टर। सरफराज अहमद का वापसी पर पाक कप्तान बाबर आजम ने दिया बड़ा बयान, बोले सीनियर और अनुभवी खिलाड़ी की यही पहचान होती है। सामंता को फिल्म शकुंतलम के लिए लेनी पड़ी ग्रेस ट्रेनिंग, पेट डॉग के साथ शेयर किया वीडियो, बोली मेरी तरह इसे भी ट्रेनिंग की जरूरत है। फुटबॉल टीम को चीयर करने पहुंचे रणवीर आलिया, स्टेडियम में एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए फैंस, बोले स्वीटेस्ट कपल। सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म बनने की कगार अवतार 2 एवेंजर्स एंड गेम के रिकॉर्ड से चंद दूरी पर 365 करोड़ का हुआ कलेक्शन। उर्फी जावेद की जावेद अख्तर से मुलाकात, फोटो शेयर कर लिखा आखिरकार आज मेरे दादाजी से मुलाकात हुई। अजीबो गरीब ड्रेस पहनकर पार्टी में पहुंची एकता कपूर, ट्रोलर्स बोले इतने पैसे कमाने का क्या फायदा जब ढंग के कपड़े नहीं खरीद पाते। अस्सी साल की उम्र में भी सुपर फिट दिखे बिग बिग बंगले के बाहर फैन से मिले, 30 सालों से चला आ रहा है फैन से मिलने का ट्रेडिशन। देसी अवतार में दिखी सलमान के एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी, कचरा मोहब्बत वाला पर बनाई रील वीडियो। ग्लैमरस लुक में एयरपोर्ट पर दिखी उर्वशी रौतेला, लंबे समय बाद पति के साथ नजर आई अमृता राव, मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए स्लिप्स। होमबले फिल्म ने केजीएफ 3 बनने के लेकर दिए संकेत, मेकर्स बोले 2025 तक आएगी फिल्म, आने वाले समय में यश को किया जा सकता है रिप्लेस। जयदीप अलावत ने इरफान खान को किया याद, बर्थ एनिवर्सरी पर दिखा खास ट्रिब्यूट वीडियो, देख फैंस हुए इमोशनल। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।